प्रजापति। आज यहाँ पर आपने वोट दिया, किस मुद्दे को लेकर वोट दिया, क्या सोच कर वोट दिया? ये सरकार आएगी हमारा विकास करेगी, ये सरकार आएगी हमारा विकास करेगी, और सब लोगों को चाहिए घर से अपने आए और वोट सब दिए जिसको चाहे। इस वोट से आप क्या कर सकते हैं, एक वोट से क्या कर सकते हैं? वोट से सब अच्छी बिजली व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ कर सकते हैं। अब आप लोग निकलिए घर से, सपोर्ट दीजिए। ने हर किसानों के खेत खाते में पैसा जा रहा, पहले तो कोई सरकार ने खाते में पैसा नहीं डाले थे, यही ऐसी सरकार जो किसान के खेते में पैसा डाल रही है। महिलाओं के लिए उन्होंने हर काम का बहुत सुरक्षा, पहले तो औरतों की सुरक्षा के लिए मुद्दा उठता था, अब तो औरतें सुरक्षा सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकती हैं। 12-1 बजे रात में भी हम लोग कहीं निकले तो सुरक्षित को अपने को महसूस करते थे, और किसी सरकार में तो महिलाएं सुरक्षित भी नहीं था, ना महिलाओं के फ्यूचर के बारे में सोचा जाता था। आज मुसलमानों का 3 तलाक का ही मुद्दा उठाइए तो ख़त्म हो गया। कविता अग्रवाल बारी, मेरा नाम है। मैं बस अपने लोगों से यही अपील करूंगी कि देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए आप वोट अपना जरूर करें और घरों से निकले, क्योंकि वोट लोकतंत्र का महापर्व है, इसे जरूर मनाएं और अपना मतदान अवश्य करें। महिलाओं को सुरक्षा दें और नौकरी दें, बेरोजगारी को कम करें जी, कि और आगे बढ़ें, हम लोग को भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। उमा चौरसिया, जो सरकार है वो मोदी जी से बेटर हम लोगों को कोई नहीं लगता, और हम चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो और हम लोगों के ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा कि जो सरकार बनेगी वो उन लोगों की शिक्षा को ऊपर ले जाएगी, बस यही चाहते हैं हम लोग। और डर भय समाप्त हो, यही शांति चाहिए, और क्या चाहिए। दहशत तो नहीं हो रही, लेकिन कम से कम जो घर की लेडीजें हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, रात रात चाहे जब इधर उधर जाएं आए, कोई दिक्कत ना हो, इसके पहले की स्थिति तो खराब थी ही। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को आह्वान करता हूं कि पहले मतदान फिर जलपान। आज मैंने अपने बूथ पर 211 क्रम संख्या पर सर्वप्रथम पहला मत दिया, और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। और आप सभी लोग, क्योंकि आज धूप भी बहुत है, दिन गर्मी का माहौल है, इसलिए सुबह प्रातः जितने जल्दी जल्दी लोग आ पाएंगे निश्चित रूप से आपको सुविधा भी मिलेगी और आपको गौरव भी प्राप्त होगा। राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए, सिर्फ देश के लिए, बस हम पूरी तरह से संतुष्ट अपनी सरकार से जी। आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, जो जिसका विकास करेगा हमने उसी को ही वोट दिया है जी। युवा वालों का भ्रम है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार हर जगह है, जो जो पढ़ा लिखा है वो उसके लिए रोजगार है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए भी रोजगार है। महंगाई देखिए, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह लोगों का वेतन भत्ता भी बढ़ा है। किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं, पहले किस तरह के प्रतिनिधि हुआ करते थे, आज किस तरह के? अब ऐसा है कि अब इस विषय में तो काफ़ी जानकार यह है कि विकास जो भी करे, जैसे कि मोदी जी ने विकास किया है, और उनको हम लोग जो है काफ़ी दिनों से वो देते चले आ रहे हैं, वही मोदी जी को ही हम विकास पुरुष मानते हैं। उन्होंने राम मंदिर का, क्या नाम है आपका? राम गोपाल शुक्ला। देश का विकास हो और देश का भला, हम सबका भला हो, हम सबका विकास होगा, देश का विकास होगा, उसी पार्टी को देंगे। युवा है, महंगाई है जी जी, क्या यही सब है मुद्दा जी। इसी सब मुद्दे के मद्देनज़र जो भी पार्टी हमको सही लगेगी, जो इन सारी समस्याओं पर विचार करेगी और समाधान देगी, उसी को बोलते करें, हमारे समाज का विकास करें और हम सभी का विकास करें, ऐसा ही प्रतिनिधि हमें चाहिए। मुद्दा वही है जो विकास का मुद्दा है, सड़क का, पानी का, रोजगार का, और आम जनमानस को जो सुविधाएं सरकार प्रदान कर सकती है वो सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं, बन रही हैं। विकास से हम लोग संतुष्ट हैं, और लेकिन आगे भी चाहते हैं कि ऐसा ही त्वरित विकास होता रहे और हम आम जनमानस को ऐसी सुविधाएं और बेहतर सुविधाएं मिलती रहे। जो हमारे बीच में रहे 5 साल चुनाव जीतने के बाद वो कभी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ऐसे सांसद हमको चाहिए जो 5 साल क्षेत्र का विकास करें और जनता के बीच में रहें, उनकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाएं और राष्ट्र के नाम पर हम लोग मतदान करें। जो माँ की तरह हम लोगों का ख्याल रखे, हम लोगों के एक फ़ोन कॉल को खुद उठाए, ना कि जो है किसी और को उठाने के लिए वो प्रेरित करे,
और ऐसी माँ की जो है हम लोगों का फ़ोन स्वयं उठाती हैं और हम सब का ख्याल रखती हैं और यहाँ सुल्तानपुर के विकास के लिए बहुत काम करती है। किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं? जो हमारे शहर का विकास करे बस वैसा ही, जो शहर का विकास करे और हमारे शहर पर ध्यान दे। हमारे शहर का विकास होगा तो हमारा शहर एक नई चीज़ में उभरेगा, तो हमारा भी नाम होगा कि हमारा शहर है। जी, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में जो कि युग है, और अगर सरकार अच्छी रहेगी तो एजुकेशन भी अच्छा ही रहेगा। उस एजुकेशन को अगर हम देखें तो हम सरकार को उसमें नहीं जोड़ सकते, अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। निजी संस्था रीज़न है महंगाई, अगर महंगाई बढ़ेगी तो वो भी तो अपनी फीस बढ़ाएंगे ना। कौन करेगा कंट्रोल महंगाई? सरकार करेगी, जो सरकार अच्छी होगी वही करेगी, हम भी उसी का चयन करेंगे जो हमारी सरकार हमारे मतलब राज्य का विकास करे, हमारे शहर का विकास करे, हमारे देश को आगे ले जाए, ऊपर ले जाए, ऐसी प्रतिनिधि हमको चाहिए और उसमें हमारे मोदी जी ही हैं। जो ये अच्छे बहुमत से केंद्र की सरकार बनने को है, इसलिए उत्साहों के लिए नौजवानों के लिए काम किया है उन्होंने, मोदी जी ने काम किया है और नौजवानों को आगे बढ़ करके सबसे उत्साह है वो करेंगे। इस गुरु बनने जा रहा है, 10 वर्षों में जितने काम हुए कांग्रेस शासन में 70 वर्षों में नहीं हुए, दूसरी पार्टियों में नहीं हुए। दूसरी पार्टियां तो जाति की बात कर रही हैं, भारतीय जो संस्कृत है सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, वह आज मोदी कर रहे हैं। किसी एक मतदान जो है नहीं हो पाता क्योंकि मतदान इलेक्शन कमीशन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि एक वोटर आईडी जो आधार कार्ड पे बने, पूरे देश में एक ही जगह वोट हो, किसी का यहाँ वोट है, किसी का लखनऊ है, कहीं कलकत्ता है, वो आ नहीं पाता। वो मतदान वही इसीलिए फाल्स होते हैं, 50%, 52%, बहुत सारे लोग एक मतदान अपना डाल ही नहीं पाते।